एक दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दिया ना मैंने, देखो फ्रेंड आमले का पेड़ है ये। अरे यार कितने सारे आमले, अम्मी साथ नहीं पुलिस पकड़ लेगी, वो तो सिक्योरिटी बैठी होगी, बाबू इतनी मतलब पब्लिक घुस जाए इसके अंदर तो, कितने सारे आमले, मतलब ये वाला बाग आमली आमले का है, वो चीकू के था और वो सामने आ रहा ना अम्मी, वो ना वो अमरूद का है, आम का है, आम और अमरूद का है यार, कितने अच्छे सांझा मुमताज, कितने अच्छे थे सांझा मुमताज, सांझा ने कितना अच्छा काम किया ना अम्मी, आज के लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, या अल्लाह कितना माशाल्लाह माशाअल्लाह, मैं तो पहली बार देख रही हूँ अम्मी, गर्मियों में आओ ना एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है। हाँ और ये रहा फ्रेंड सामने म्यूजियम, अम्मी ने देखा नहीं है, अम्मी को पहली बार म्यूजियम दिखाने ला रही हूँ, अम्मी किसी और चीज़ को म्यूजियम समझती थी, अम्मी ने म्यूजियम नहीं देखा है, मैंने तो देखा है एक बार, पर अम्मी ना किसी और जगह को म्यूजियम समझती थी, मैं आज दिखाऊंगी म्यूजियम क्या, और आप भी देखना म्यूजियम आ जाओ, और यहाँ पे ना अम्मी घूमने वाले कम आते हैं क्योंकि उन लोग को फोटो में इंटरेस्ट रहता है, वो लोग ना हिस्ट्री नहीं देखते, हिस्ट्री अंग्रेज देखते हैं, ये सिक्योरिटी चीज पे देख रहे हैं, हाँ एक एक चीज को ऐसे बारीकी से उली से टच करके, मतलब हिस्ट्री समझते हैं ना वो, जानते हैं देखना, हमारी तरह दोनों तो पागल है बस, ताज म्यूजियम का 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही है, 4:15 तो हो गए फ्रेंड, 1 घंटे की खुला, बस 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा ये, हाँ सात 1 घंटा बचा है, 1 घंटे में बंद हो जाएगा, सात तो बाथरूम के पास भी चला जाएगा ताजमहल की, अंदर तो देखे आए फ्रेंड, बस अफसोस हो गया मैं आपको नहीं दिखा पाई, अंदर परमिशन नहीं है कैमरे की, मोबाइल की, फ़ोटो की, किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं है, तो थोड़ा सा दिल मेरा मायूस हो गया, मुझे लगा मैं आप चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगी, लेकिन आप खुद आना देखने के लिए, तो मुझे बताना आप हमारे आगरा आके आपको कैसा लगा, और अंदर वो पुराने ज़माने की चीज़ें, उनकी तस्वीरें, सांझा मुमताज़ की तस्वीरें, जमुना का व्यू, वो सब की जो चित्रकारी थी वो था रियल, और ना हाँ एक चीज़ जो मैं इंटरेस्टिंग लगी ना फ्रेंड, वहाँ पे 3 बर्तन थे, वो बर्तनों में क्या होता था पहले ज़माने के, जब सांझा मुमताज जब खाना खाते थे तो खाने में किसी ने जहर ना मिला दिया हो तो वो पहले वो खाना उन बर्तनों में रखते थे, वो बर्तन अगर कलर चेंज कर दिए तो समझ लो उसमें जहर मिल हुआ है, मतलब वो देखो माइंड के खाना चेक करने के बर्तन थे, वरना पता नहीं चल जाए ना कोई भी इंसान जहर मिला के खिला दे, तो वो बर्तन थे 3 बर्तन थे, हमें तसला था, प्लेट थी, एक लोटा था कि उसके अंदर पानी शरबत डाल के पहले चेक होता था फिर वो लोग पीते थे, एक प्याली थी, हाँ पत्थर के थे वो, और वो पत्थर जहर पर रखने का था, पानी पीने जग था, हाँ तसला था, वहाँ बैठेंगे वहाँ बैठेंगे, तो वो मतलब देखो माइंड देखो कि उन लोगों ने कितना अम्मी है, दुश्मन भी सही बात है, दुश्मन तो हर किसी के होते हैं, हंसी के लिए सही बात है, तुम्हारे पत्थर भी बनवा लिया, पर्पल कलर का फूल है, हर जगह कैमरे लगे हैं, तो आप यहाँ पे चालाकी ना चले, जगह जगह कैमरे छिपू हुए पेड़ों के पत्तियों में, बागों में, बगीचों में, कैमरे से नहाया हुआ है ताजमहल, तो प्लीज कोई भी ऐसी कारिस्तानी ना करें जिससे कि आपको दंड मिले, हिंदी शुद्ध हिंदी, वैसे तो ताजमहल में खड़ी उर्दू बोलना चाहिए, आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे कि आपको तकलीफ हो और आपको सजा मिले, आप सजा बन है ना, आप मुजरिम करा जाए, आप मुजरिम करार दिए जाएं, उद्यान में प्रवेश वर्जित है, अंदर जाना मना है, कितनी ठंडी हवा चल रही है, बिल्लियों की मस्जिद, हाँ बोरी बिल्लियों की मस्जिद, जड़ों के ऊपर भी अपने नाम लिख दिए इन्होंने, आरियस, मोनू, टोनू, रेनू, जब बताओ जरा, ताजमहल की चीज़ है, सांझा की चीज़ कहलाएगी, तुम्हारी टोनू मोनू लिखने से तुम्हारी हो नहीं जाएगी वो, मतलब ताज देखो नाम लिखा महक और क्या नाम है, महक है और क्या है आकिब, बताओ जरा महक और आकिब अपना नाम लिख के चले गए, अब कहते हैं गंवा रहे हैं लोग ऐसे, चीज़ों को ख़राब करनी है बस, हाँ ये नाली है साथ बड़ी बड़ी, जो भी बरसात का पानी होता है ना अम्मी, वही नालियों में जाता है, ये जमुना में जाता है, हाँ हाँ जमुना में चला जाता है पानी, ये ना म्यूजियम में जाने का दरवाजा है इधर, जिसको म्यूजियम देखना है वो इधर आ जाओ, पर लोग म्यूजियम देखने कम आते हैं, अरे ऐसी ही ना बेटा, ये पेड़ भी ना बेटा बाबू उसी जमाने के साक्षी है, पुराने पेड़ बुढ़े हो गए हैं, ये टेढ़े हो गए तो पेड़, अरे हाँ तोता तोता था मिट्टू, यही रहता है मिट्टू, कितना अच्छा है तू, ताजमहल देखता है सुबह शाम, कितने खुश नसीब है ये बाहर जाने का रास्ता यही एंट्री का है, यही बाहर जाने का है।
ना मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड, जब भी मैं आती हूँ ना घूमने मैं यहाँ बैठती हूँ, यहाँ से ताजमहल दिखता है, यहाँ हवा चलती है, कभी भी कितनी भी गर्मी में आप आओ यहाँ पे हवा चलेगी और ठंडा रहेगा, तो ठंडा ही है ना, तो ठंडा रहेगा, गर्मी में भी आओगी तो भी ठंडा रहेगा। जाते जाते आपको और एक बार ताजमहल दिखा दूँ, फिर पता नहीं कब आना हो। हम ये बैठ गए अम्मी और मैं इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा पब्लिक होती है अम्मी, वो मेन पॉइंट पे। कपल बहुत आते हैं, लड़का लड़की, हस्बैंड वाइफ, जिनकी नई शादी होती है, एक यादगार बन जाती है। और जगह चले आओ यहाँ पे आने में, कहते नहीं फ्रेंड आप भी आना, फ्रेंड अगर आप मेरे ब्लॉग देश के दुनिया के किसी भी कोने से घूम रहे हो तो आप प्लीज आना। ताज तो बस ताजमहल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। और अंग्रेज सुबह आती है बड़ी बुढ़िया इंपीरियल। आ रही है नींद भी आ रही है, भूख भी लग रही है, नींद तो आ रही है, हाँ नींद आ रही है। हाँ नहीं थक जाते हैं ना ताजमहल घूमने में। हाँ नहीं तो ताजमहल देखने में भी इंसान थक जाता है। हाँ चार बज गए, 5 बजे बंद हो जाता है, 7 तो मुझे कबूतर दिखा रहा है। अपन नहीं ये वाले गेट से चलते, ये ताजगंज आया था, लेकिन ट्रैफिक रोड के चक्कर में तो जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, दुकान दरवाजे एक ही है, तो दरवाजे के पार जाऊंगी ना तो लोगों की दुकानें आ जाएंगी, मतलब इतना पास दुकान है। हाँ यहाँ से चले आते हैं, मैं ताजगंज एक तो वो अड्डा आया था अड्डा, लेकिन वो ट्रैफिक रोड उधर है ना, उसकी वजह से वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन साथ जुबे मैंने एक बंदर नहीं देखा इधर, एक बंदर अम्मी, मुझे लग रहा कुछ उन्होंने बंदर की कुछ इंतजाम करके रखे है ना, एक भी बंदर नहीं है फ्रेंड, वरना हमारे छतों पर तो ढेर लग रख के बंदर आते हैं। नहीं नहीं अम्मी कुछ इंतजाम तो कर रखा होगा उन्होंने, एक आध बंदर को मार भूर के फेंक दिया होगा उन्होंने ताकि डर के मारे वो आए नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। गार्डन में वॉशरूम इधर ना, और पानी का वो है पीने का, तो पानी पीते हैं ताजमहल में आके, ताजमहल का पानी पी जाए ताजमहल। तो कमी वो तो सेल्फी लिया है, तो उनकी सेल्फी नहीं ली, वो आदमी लेके जा रहा आगे, ट्राइपॉड उसका आदमी के पास है, मेरा कैसे ले लिया, वो लेके जा रहा है व्हाइट शर्ट में, देखो ग्रुप है पूरा। हाँ ग्रुप है, अरे लेकिन सेल्फी तो सबके लिए होगा ना, ये दोनों का अलग अलग रूल है,
साउथ इंडियन बहुत आते हैं। देखो वो देखो आदमी के पास से देखी थी मैंने। आ जा पानी पी लें। पीने का पानी आ गए बाहर आ गए अपना ट्राइपॉड ले लेते हैं। ट्राइपॉड ला मैं लूं साथ ना भैया को। भैया मेरा नाम लिख दिया था ना शायना। चलो 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 यहाँ से भी रास्ता है। यहाँ से चलो यहाँ से आ जाओ। नहीं नहीं कुछ खा लो। एंट्री पूछते हैं पूछते आ जाओ। यहाँ से आ जाना ना देख रही जो पास पड़ेगा पब्लिक से दरी जा रही है। पीछे का रास्ता है यहाँ से पूरे क्या तो पीछे का रास्ता। अम्मी ये भी मस्जिद है जो बजू कर रहे हैं अंदर ऊपर देख के आती हूँ। आवाज आ रही है। ये फतेहपुरी मस्जिद नाम से है। फतेहपुरी बुरा रास्ता बुरा। मुझे लगा ये कर्मचारियों की होगी। अम्मी हैं घर से फोन आया है पापा ने खाना खा के सो गए हैं। पापा ने दुकान भी नहीं खोली है और सवा चार बज गए हैं। अम्मी तो 3:30 बजे दुकान खोल लेती है तो भाई अम्मी को थोड़ी जल्दी होगी। अम्मी बोली जल्दी जल्दी चलते हैं दुकान बंद है ग्राहक आ रहे होंगे लौट रहे होंगे। बाहर की मार्केट है फ्रेंड यहाँ पेठा मिल रहा है बहुत बहुत तरह का पेठा। अब बच्चों को आते हैं बच्चे रह गए जल्दी आओ। टिकट फेंक दे। शॉपिंग है चूड़ियां है गले की माला ताजमहल चप्पल मोजरी पोटली हाँ हैंडवर्क की यहाँ पे पर्स मिलते हैं हाथ के काम के। अच्छा एक मिनट ये देखो सारे हैंडवर्क हैं जिसको अगर इंटरेस्टेड हो वो आना। अंदर दूसरी डिजाइन है भैया दुल्हन के लिए कितना प्यारा है। हर चीज ताजमहल की है। मजा खिलखिला कर दिया साथ पापा भी तो सो रहे हैं वरना भी आराम से जाते हैं अपन शॉपिंग करते हुए। ये है क्या ये अच्छा ठीक है नहीं उपका आए तो हाँ लग रहा तो पे ये उपका है। चूड़ियाँ हैं मिल जाएंगी आ जाएगी। चल मार्बल में चूड़ियाँ हैं एयरिंग्स हैं बैंगल्स हैं आते रहते हैं। हाँ मार्बल कहाँ सब मार्बल के नेकलेस गले के कान के बहुत प्यारे प्यारे पीस मिलते हैं। और आता है ना पब्लिक हमें लेके जाती हो एक याद रहती है। हाँ एक याद रहती है कि चलो हम आगरा गए थे। पेटीज ले रहे हम लोग पेटीज खा लेंगे। पेटीज खा लेंगे अम्मी बच्चे भी साथ में ही है। पेटीज चार गरम देना गरम बिल्कुल अच्छी है फ्रेश रखी रखाई तो नहीं है भाई। अरे ये काम नहीं करते गरम। अच्छा ये काम नहीं करते ये काम नहीं है लूज काम नहीं है। हाँ ले लो बच्चों को दे दो और पैसे ये देगा छोटा वाला लड़का इससे लेना पैसे ये देगा। हाँ ये बहुत ये कमाने लग गया अभी जब कमाता है नहीं हमें तू दे पैसे बेटा हमें खिला दे तू भी तो खिला फूफी को दादी को। लो लो बच्चे लो पनीर की नहीं है पनीर वाली आलू वाली है। अच्छा अच्छा दो और दे दो एक आपन खा लेंगे तुम खा लेंगे। अच्छा छोटी छोटी भी हैं कितनी सारी हैं। मुझे एक चीज़ काम की दिखी है ये बहुत काम में आएगा मेरे हंटर और ये हर मम्मा के पास होना चाहिए बच्चों के लिए। बहुत तेज लगती है ना भैया इससे बड़ा है ना इंसान में आए थे है ना चमड़ी उड़ जाती है ना चमड़ी उड़ जाती है इससे। ये हंटर मुझे ना लग रहा है लेना चाहिए साथ के लिए क्योंकि मेरा हाथ दुखता है मारते में उसको। मजाक कर रही आगरे वालों को लुटोगे है ताजमहल वालों को लुटेंगे लोग।
चलो चश्मे मोजरी टोपी अरे अलग कितना बड़ा ये तो गर्मियों में ज्यादा बिकते होंगे गर्मियों में ज्यादा लेते हैं पब्लिक ना गर्मियों में सर्दियों में बिकते हैं सर्दियों में ये गर्मियों धूप के लिए अच्छे हैं एम्पायर ऐसी लग रही हूँ मैं तो चलो 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 अम्मी का ना मूड खराब हो गया फ्रेंड वो पापा सो रहे हैं दुकान खुली नहीं है तो थोड़ा सा अपसेट हो गई हूँ अरे अल्लाह कितनी छोटी सी है प्यारी सी ये देखो हाँ इनाय नहीं इनाय का फ्रेंड तो उससे भी छोटा है आ जाओ अरे शाह यहाँ से ये रहा रास्ता ये रहा अभी खुल गया है ना पहले ब्लॉक हो गया था ना खुल गया ये रहा यहाँ मिल जाएगा रिक्शा मैं यहाँ पे आने की कह रही थी ऑटो वाले से ये रहा ये खा हुआ ये रहा ये रहा आ जाओ अच्छा कितने मांग रहा है लाइटिंग वाले हाँ सेल के सेल लगे होते हैं अब हम जा रहे हैं फ्रेंड घर पे और जैसे ही हम लोग को ऑटो मिला ना इतनी तेज बारिश हो रही है मोटी मोटी और धूप भी निकल रही है तो दुआ मांग लो ये वक्त दुआ का होता है जब धूप निकलती है बारिश होती है तो वो वक्त दुआ कबूल का होता है हाँ नहीं इस्लाम हदीस में है कि ना वो वक्त दुआ का होता है तो बस दुआ कर लो आप भी मैंने तो कर ली बारिश हो रही है कैसे निकला ये तेज निकले अपना आए तो जाम लग रहा था है तो है पास में लेकिन जाम की वजह से ऐसा लग रहा था कितना वो है जाम कौन नहीं है हाँ ये नाली है हाँ हाँ कितने गड्ढे हैं अच्छा मेरे को उसको जाम लगाना मंजूर है एक पच्चा कर दो नहीं आगे से रोके मुझे एक ही रोड है ना भाई हाँ नहीं टूट जाएंगी तो कौन सी रहेंगी हाँ एक ही रोड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है अब जो दो रोड हो जाएंगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी अम्मी मलिदा खा रही है साहिबा कब ले जा बेटा ले सोलो की न्याज ले लिए बस्ती में दो आए ना एक लड़के वालों की हाँ एक लड़के वालों की तरफ से और एक लड़की वालों की तरफ से मलिदा आया अभी अम्मी जो खा रही है वो लड़के वालों की तरफ से है बस्ती में शादी है तो उसका ही मलिदा सोलो की न्याज दिलती है ना सोमवार को लगती है सोलो की न्याज तो मलिदा बढ़ता है तो एक तो लड़के वालों की तरफ से आया एक लड़की वालों की तरफ से आया है लड़के वालों को अम्मी ने खा लिया लड़की वालों को अम्मी खा लेंगी चलो अपने घर वापस आ गई फ्रेंड ये कुछ लिपस्टिक और लिप बाम मैं पर्स में रख के ले गई थी मुझे लगा ज़रूरत होगी तो मैं यूज़ कर लूँगी पर ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी मोबाइल को आड़ में रख रखा है ना तो वो साइड में आ रहा है और ये झुमके बहुत लाइट वेट है पता भी नहीं चला बस थोड़ा अटक रहे थे चैन के अंदर ये दो तीन बार ना अटक रहे थे इस चैन के अंदर सर दर्द कर रहा है मेरा फ्रेंड सच बताऊँ तो क्योंकि आते में ना बारिश हो गई थी बारिश की वजह से एकदम से मौसम चेंज हो गया खानों को तो फैल गया मैं अगर पापा दुकान खोल लेते ना तो पापा ने दुकान खोल ली थी हम घर पे आए ना तो पापा ने दुकान खोल ली थी बस थोड़ा सा लेट खोली थी तो अम्मी पर जब मेरे भाई का फ़ोन गया ना दुकान बंद है तो अम्मी भी थोड़ी टेंशन में हो गई फ्रेंड तो वो उनका काम है वो उनको लगा पापा भी तो सो रहा है तो फिर हम लोगों ने ना कुछ खाया पिया नहीं
वरना थोड़ी देर रुकते कुछ खाते पीते। चलो कोई नहीं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, आज दूसरा दिन हो गया है। कल रात को ब्लॉग एडिटिंग करी मैंने, ब्लॉग अपलोड वगैरह करा, उसके बाद कल मैं 10:30 बजे सो भी गई, तो क्योंकि इतना थक गए थे, जाहिर सी बात है, इतना ताजमहल घूमे, इतना अच्छा लगा। अम्मी अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा बता, अम्मी के पैर में दर्द हो गया, तो मेरे भाई ने साहिबा ने उनके पैर दबाए, उन्हें दर्द तो मेरे भी हो रहा था, पर मेरे फिर मैं पता नहीं कब मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि ताजमहल इतना बड़ा है, घूमते घूमते इंसान थक ही जाता है। उसके बाद मैं भी 10:30 बजे सो गई थी, सो उनसे भी मैंने रात में बात नहीं करी। फिर आज सुबह उठी तो मैं कब से सोच रही हूँ, क्योंकि रात में बारिश हो गई थी तो मैं रात में कब से सोच रही थी सुबह बाजार जाऊँगी, फिर सुबह भी सोच रही काम करते करते बाजार जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ। हाँ मेरे ये वाला। फिर मैंने सोचा कि पहले जो काम पेंडिंग है ना उसको कंप्लीट कर देती हूँ, कि जैसे कि मुझे ना लेस लगानी थी दुपट्टे पे, कुछ एक दो सूट है जो थोड़े से टाइट हो गए उनको सही करा लेती हूँ, क्योंकि शादी में ऐसा ना सर्दियों में पड़ रही है, तो जो कड़े बड़े सूट होते हैं ना भारी सूट वही तुम पहन लो, फालतू में पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड। सर्दियों में मोटे कपड़े, कढ़ाई वाले कपड़े ही पहन लो, रिपीट कर लो, कोई टेंशन नहीं है, इस पर कोई बुराई नहीं होती है, है ना अम्मी? फालतू में बाजार में जाओ आप, 4-4, 5-5 हज़ार रुपए की एक सूट आता है, एक दिन की जरा सी देर की है। तो भैया मैं तो पर्सनली राय आपको यही दूंगी कि आप जो सूट रिपीट कर लोगे इसमें कोई बुराई नहीं होती है, कोई इतना ध्यान नहीं देता है भाई, ये तो अपनी मन की बात होती है, ये अपनी मन की तसल्ली होती है, वो देख रहा है हमने 4 बार सूट पहन लिया, 5 बार पहन लिया, ऐसा कुछ मैं तो नहीं सोचती हूँ। मैं पर्सनली बताऊँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचती हूँ, तो मेरे पास जो पुराने सूट भी रखे होते हैं ना जो मैं कम पहनी होती हूँ उनको मैं रिपीट कर लेती हूँ, मुझे कोई ऐसे शर्म वरम नहीं लगती है फ्रेंड। बस खाना खाना है और आना है घर पर, तो बस अपनी जो मेरे कपड़े थे उनको थोड़ा और सही करवा रही हूँ, और दुपट्टों पर जो लेस लगवानी थी वो अम्मी मेरी लगा रही हैं, तो बस मैं सोचा आज ये काम कर लेती हूँ, बाजार कल चली आऊँगी। ये रही मेरी लेस और ये रहा दुपट्टा। लेस लगाने से क्या होता है दुपट्टे पे ना फ्रेंड थोड़ा सा ना अच्छा भारीपन आ जाता है जी ना। हाँ हाँ दोनों सेम लग रही है मुझे तो, उल्टी चमक ऐसी। हाँ 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 भाई दबेगी नीचे के ऊपर कैसी लगेगी बताना। हाँ लटकती हुई मतलब ये चौड़ा वाला पूरे से दबा दो। हाँ पतला वाला पूरा दबा दो एकदम लटके नहीं। तो आज अम्मी से मैं अपना ये काम करवा लेती हूँ। अम्मी बैठ गई हैं अपने मशीन लेके चश्मा लगा के तैयारी के साथ, और दुकान में बैठ गए हम लोग ताकि दुकान भी देखते रहेंगे और काम भी होता रहेगा, है ना अम्मी? अंदर भी तो बैठना ही था। ये बोल दो आंटी एक ब्रेड का पैकेट दे दिए। बहुत जलन मच रही है यार, बहुत ज्यादा जला है। इसके लिए पूरियां तल ली थी फ्रेंड। अब पूरियां तलने में क्या हो गया था कि यार अल्लाह बोल भी नहीं पा रही हूँ, तब से झंझनाहट से हो रही है मेरी बॉडी में, जली तो उल्टियाँ है, और गलती से मैंने गीला चम्मच यूज़ कर लिया पूरी निकालने के लिए, और जैसे मैंने पानी में डाला उसको तेल में डाला गर्म गर्म तेल में, तो वो एकदम से तेल उछट के मेरे हाथ पे आ गया, इतना देखो उल्टी देखो कैसी हो गई है, इसके अंदर फफोले हो जाएंगे, पूरी उल्टी हो गई, पूरी उल्टी ये वाली दिख रही है रेड रेड। हाँ ये लगा लेती हूँ, वो दिन में से मजा से हो रहा है सच्ची में यार। कहते ना कितना भी इंसान एक्सपर्ट हो या कितना भी इंसान होशियार हो खाना पकाने में या किसी भी चीज़ में, कुछ होना होता है ना हादसा फ्रेंड तो हो ही जाता है। वो कहते नहीं ये जाने अनजाने में ये उंगली मेरी जलनी थी। बस फ्रेंड यही ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो कल का भी पार्ट 2 जो मैंने बोला था आपसे बोल नहीं पा रही हूँ मैं। पार्ट 2 था जो ताजमहल का थोड़ा सा रह गया था वो मैं आज एडिट कर दूँगी। प्लीज़ आप देखना, लाइक करना, शेयर करना इंशाल्लाह। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में, बस मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड, अपनी दुआ में याद रखना, और आप भी सावधानी बरतना, जो कितना भी इंसान होशियार हो ये उंगली रेड होती चली जा रही है, हो ही जाती है, तो प्लीज़ शायद मेरे से गलती हुई कि मैंने वो चम्मच थोड़ा सा गीला डाल दिया, वो नहीं डालना चाहिए था गर्म तेल में। तो बस आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना, सब्सक्राइब करना सायरा खान डेली ब्लॉग को। कल मिलती हूँ इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।